अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं अपनी प्रेस्टीज की इलेक्ट्रिक कैटल का रिव्यू, जो कि मैंने नई नहीं ली है, ढाई साल पहले ली थी। ढाई साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों। अब देखते हैं कैसी है, आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में इसकी हालत अब क्या है, ये कैसे काम कर रही है, आपको इसको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कैटल एक मस्ट हैव आइटम ही है, ऑलमोस्ट हर घर में आपको ये मिल जाती है। इसका इस्तेमाल जाड़ों में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बार बार किचन में जाने की ज़रूरत नहीं होती। अपने गैस पे जाएं, बार बार चाय बनाएं या मैगी बनाएं या एग्स बॉईल करें, तो आप उसको अपने रूम में भी बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको ब्लैंकेट से निकलने की ज़रूरत कोई भी नहीं होती है, तो इस लिहाज से बहुत यूज़फुल हो जाती है। ऑफ़िस में जो लोग रहते हैं, इनका ऑफ़िस है, वो वहाँ पर अपने ऑफ़िस में रखे चाय वगैरह, दूध या एग्स बॉईल कर लें या मैगी बना लें, सारे काम ये बहुत ही आराम से करती है कैटल। तो आप बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैंने बाय की थी प्रेस्टीज की, उसके अलावा बहुत सारे और ब्रांड हैं, फेमस ब्रांड हैं, ये भी काफ़ी फेमस ब्रांड है। तो मैं इसको ढाई साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रेगुलर डेली इस्तेमाल करता हूँ इसको, चार पांच काम के लिए, चाय बनाने के लिए और एग्स बॉयल करने के लिए, दूध गर्म करता हूँ, पानी गर्म करता हूँ, और मेरा ये ऑफिस में ही इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों कैसी इसकी हालत है, कैसी आई थी, कैसी है, सारी बात बताऊँगा आपको आगे वीडियो में। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप पर टाइम पर पहुँचें। अगर आपको अच्छी लगे तो लिंक मैं दे दूंगा आपको इसका डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप इसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं दिखाता हूं आपको अपनी जो कैटल है उसके, दोस्तों उसकी हालत देख लें आप दोस्तों। ये रही मेरी कैटल, मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूं। दोस्तों ये मेरी कैटल है, आपको इसकी हालत नज़र आ रही होगी। इसकी जो पहली बात, तो इसका बिल्डअप काफ़ी सॉलिड था, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी इशू नहीं है। और दोस्तों बिल्डअप काफ़ी बढ़िया, थोड़ा आपको एक गंदा थोड़ा सा ऊपर से आपको दिख रही होगी। ढाई साल से इसको इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन मैंने कभी इसको ऊपर से पानी से वॉश नहीं किया, क्योंकि इस पर इंस्ट्रक्शन आया साथ में आता है, अभी दिखाऊंगा लिखा हुआ भी कि आपको इसको पानी से वॉश नहीं करना, ना आपको इसको ज़्यादा रिंस करना है। तो आपको बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसको साफ़ करता हूँ। दोस्तों ये इसका अंदर का हालत देख लें आप, कोई इशू नहीं है, एकदम बढ़िया से, ना कहीं से काली हो रही है, ना कहीं से ब्लैक एंड या ब्राउन, कहीं से कुछ भी नहीं है, ये दोस्तों बढ़िया है। और दोस्तों अभी तक ढाई साल से मैं इसको डेली इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तक दोस्तों ये सर्विस सेंटर पे भी नहीं गई, सिर्फ एक काम के लिए गई थी। इसका जो ये है ना हैंडल, इसका पेच दोस्तों ये आला जहाँ यहाँ लगवा, ये पेच इसका निकल गया था, बस वो थोड़ा ये लूज़ हो गया था, उसको मैंने पेच लगवा लिया जाके, बस यही इसके अंदर इशू अभी तक मैंने फेस किया, अदरवाइज़ कोई इशू मैंने इसके अंदर फेस नहीं किया है। ढाई साल का लगभग मेरा कंटिन्यूअस यूज़ है, मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट से लिया था लगभग 650 रुपये का, और ये 1.5 लीटर की दोस्तों ये कैटल है। तो ये इसका लिड है, इसका ढक्कन आराम से मैंने इसे अभी निकाल दिया, आप यहाँ इसको आराम से आके आप दोस्तों इसको लगा सकते हैं इजीली, और ये आराम से दोस्तों आके थोड़ा जाके लग सकता है। दोस्तों ये शायद थोड़ा सा ढक्कन शायद गिर गया है, थोड़ा सा टूट गया है साइड से, आपको ये दिख रहा होगा, ये शायद गिरने से ये थोड़ा सा यहाँ पर टूट गया, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये यही इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा टूट गया, शायद ये गिर गया था, मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी भी दोस्तों ये इसका ये इसको मतलब प्रेस करने का, प्रेस करके आप इसे खोल लें और आप इसको बंद कर लें। दोस्तों मेन काम तो इसका फंक्शन का होता है दोस्तों, ये ढक्कन तो वैसे भी कोई ज़्यादा इसका ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बहुत अहम आइटम है ये भी, आपका ढक्कन भी, तो ये भी दोस्तों अभी तक काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसके मतलब फंक्शन में कोई दिक्कत, टूट ज़रूर थोड़ा सा गया है, लेकिन दिक्कत कोई भी नहीं है, काम दोस्तों एकदम बढ़िया से कर रही है। ढाई साल मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ, ढाई साल दोस्तों इसके हो चुके हैं। एक इशू और था इसके साथ, इशू नहीं है वो, ये आपको दिख रहा होगा इसका बोर्ड है, ये इसका प्लग दोस्तों यहाँ से मिसिंग है। प्लग क्यों मिसिंग है, क्योंकि मेरा सॉकेट लूज था, तो इसका प्लग थोड़ा जल गया था, तो वो जल के उसका जो आगे वाले जो उसके सॉकेट्स होते हैं जिसको आप लगा पिंस होती हैं, वो थोड़ी उसकी मतलब बुझल गई थी, मैंने उसको निकाल के उसको अलग कर दिया। अब मैं इसको लगभग पिछले 7-8 महीने से, 1 साल से ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई दोस्तों इशू नहीं मुझे अभी तक आया है। ये मतलब 1500 वाट की होती है, तो काफ़ी हैवी इसका दोस्तों इसका एलिमेंट है, एलिमेंट भी दोस्तों जैसा आया था वैसे चल रहा है, कुछ भी इशू नहीं दोस्तों मुझे आया है इसके अंदर। ये भी देखिए आप, काफ़ी गंदा आपको ये लगे, क्योंकि मैंने इसको वॉश तो कभी किया है कि यानी नहीं, इसको वॉश करना होता है। आपको दिखाता हूँ इसको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर, अगर आप इसको मतलब पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपको इसको वॉश नहीं करना, ना ही आपको इसको रिंस करना है। तो मैंने इसको वैसे ही फॉलो किया है, बहुत हल्के हाथ से पानी से मैं इसको साफ़ करता हूँ। हाँ, नॉर्मल अगर आप इसको मैगी वगैरह बनाएं तो अंदर से पानी से ही वॉश करता हूँ, इसके अंदर डाल के एकदम साफ़ करता हूँ बस वही, लेकिन इसके नीचे वगैरह यहाँ पानी मैं इसके नहीं डालता हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ इसका यहाँ पर इसका सर्किट होता है, तो वो ख़राब उससे हो सकता है। तो ये प्रेस्टीज ही कैटल का रिव्यू मैंने आपको दिया ढाई साल के बाद। अगर आपको पसंद आ रही हो, आपको
लग रहा हो कि ये बर्थ बाएंगे और ये बहुत महंगे नहीं है, 650-700 रुपये में दोस्तों कैटल आपको ये मिल जाएगी। लिंक दोस्तों नीचे मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये था आपके लिए इसका रिव्यू 2.5 साल के बाद, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं काफ़ी नई नई तो बढ़िया काम करती है लेकिन बाद में क्या होता है, मैंने आपको 2.5 साल का रिव्यू दोस्तों इसका दे दिया है, एकदम फर्स्ट क्लास। जाके ज़रूर चेक कर लीजिए आप इसको, और आपको अभी लेना है, बाय करना है प्रेस्टीज दोस्तों कैटल है। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।